तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक अजफर। तो यार ये है YouTube की सीरीज का पार्ट 3, और अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो वाली वीडियो को भी जाकर सिंपली वॉच कर सकते हो। पहले इस वाली वीडियो को देख लो, कि ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है YouTube की सीरीज में, क्योंकि जब तक आपका YouTube का चैनल नहीं होगा तो फिर आप कैसे उस पर वीडियोज वगैरह, बैनर वगैरह, थंबनेल वगैरह कैसे लगाओगे। तो आज को आपको मैं सिंपली एक राइट वे बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एक बहुत ही अच्छा चैनल क्रिएट कर सकते हो एंड्रॉइड फोन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले आपने अपना YouTube पर जो एंड्रॉइड वाला एप्लीकेशन है तो इसको ओपन कर लेना। उसके बाद आगे का जो पार्ट है, आपने सबसे पहले अपना एक ईमेल क्रिएट कर लेना। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि ईमेल बनाना तो सबको ही आता है। उसके बाद आपने ये प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई पासवर्ड वगैरह लगाना है अपना, और ये वाले प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ। आप स्लो करके वीडियो को ईजिली देख सकते हो पूरा। हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है। जैसे आपका चैनल क्रिएट हो जाए, आपने वो वाला चैनल सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। जैसे मैंने वो वाला चैनल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा से उस वाले चैनल पे क्लिक करना है जो आपने नया चैनल बनाया है। उसके बाद चले जाना है यूअर चैनल पे। यूअर चैनल पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आपकी पिक्चर लगाने का, लोगो लगाने का, और जैसे नेम रखने का। अगर आपको लोगो वाली वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह कल परसों वो भी मैं ले आऊँगा। और सबसे पहले आपने उसके लोगो लगाने के बाद, उसके बाद में सेव करने के बाद, देखो यहाँ पर आपका नेम पूछेगा। तो मैं काजू कतली रख लेता हूँ, जो क्रिकेट इंसान की व्यूअर्स होंगे वो पहचान जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप क्रिकेट इंसान की वीडियोस देखते हो तो कमेंट पे मुझे लाजमी बताना। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है और क्रिएट चैनल पर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट चैनल पर जैसे क्लिक करोगे तो अभी आपका चैनल बन चुका है, आप इस पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर चले जाना है एडिट चैनल पर। अगर बैनर वगैरह आप कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो, लेकिन अभी हमें बैनर वगैरह नहीं लगाना। बैनर हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, पहले आप अच्छी तरीके से अपनी चैनल की सेटिंग कर लो। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी आपने यहाँ पर ऐड नहीं करनी। मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम में। क्रोम में आपने डेस्कटॉप साइड वाली, जैसे लैपटॉप या पीसी में सेटिंग होती है, वही वाली सेटिंग से आपने अपनी मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। उसके बाद देखो अभी हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं अपने क्रोम पर, और सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है YouTube.com। YouTube.com जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे और मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर आपने क्लिक कर देना। इस वाले जो ये अनटिक होगा, इसको आपने सबसे पहले टिक कर देना। जैसे ही आप टिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका ये वाला अकाउंट मतलब ओपन नहीं करेगा, सबसे पहले आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपने सबसे पहले साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना वही वाला ईमेल और पासवर्ड डालना है जो हमने अभी ईमेल और पासवर्ड बताया, मतलब नया बनाया था, वही वाला आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको ये सेकेंड पेज पर ले जाएगा। अब देखो डायरेक्ट हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और सबसे पहले आपने यहाँ पर कर लेना है लोगो पर क्लिक। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है यूअर चैनल के ऊपर। यूअर चैनल पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज चैनल का। कस्टमाइज चैनल पे आपने सबसे पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा, देखो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू स्टूडियो, आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि हम वही वाली सेटिंग जो लैपटॉप पीसी पर जो सेटिंग होती है, वही वाली सेटिंग हम इस पर भी कर पाएँ क्रोम में, क्योंकि क्रोम लैपटॉप पीसी वाला डेस्कटॉप साइड हमने ओपन किया हुआ है, तो इसलिए हमें सारा काम यहीं पर अब करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्रांडिंग का। सबसे पहले आपने यहाँ पर चले जाना है लेआउट को, अभी आप छोड़ दो। सबसे पहले आपने ब्रांडिंग में चले जाना है, यहाँ पर अपना लोगो लगा लेना है, और यहाँ पर एक बैनर भी सिलेक्ट कर लेना है। बैनर अगर अभी आप नहीं भी लगाओ तो इतना अहम नहीं है वो, आप बाद में अगर आपको मेरी बैनर वाली वीडियो देखने के बैनर कैसे बनाते हैं तो सिंपली आप या तो आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके वाली वीडियो को वॉच कर सकते हो। यहां पर देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो वाटरमार्क का। वीडियो वाटरमार्क में जो वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है सब्सक्राइब का, मैंने सब्सक्राइब का लगाया, आप अपना लोगो भी लगा सकते हो। उसके आगे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चैनल के लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम वगैरह की आईडी अगर आप चाहो तो वहाँ से इंस्टाग्राम में किसी की भी आईडी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम की अपनी आईडी ऐड करके भी दिखा देता हूँ। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप लिंक ऐड करने के लिए प्लस करोगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने नाम क्या लिखने से, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिख लेता हूँ, और यहाँ पर उसकी जो आईडी है इंस्टाग्राम की मेरी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर जैसी पेस्ट की, उसके बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर पब्लिश का, टेक अजफर अंडरस्कोर ऑफिशियल मेरी आईडी, आप सिंपली जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जब पब्लिश कर लो, अब हमारा शुरू होता है मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सेटिंग में, जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। देखो यहाँ पर छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से सारी हमारी मेन सेटिंग शुरू होगी।
जैसे आप देखो इस पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है जनरल, फिर मिलता है चैनल। तो पहले यहाँ पर आपको एक चैनल का ऑप्शन मिलता है, जनरल होता है, फिर चैनल। चैनल पे आपने यहाँ पर सबसे पहले चल जाना और बेसिक इन्फो में सबसे पहले आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरी कंट्री है पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपकी इंडिया, बांग्लादेश कुछ भी है तो आप वो वाली ऐड कर सकते हो। सबसे पहले पाकिस्तान ऐड करते हैं, उसके बाद सबसे मेन बात आती है कि आप अपने कीवर्ड्स ऐड करो। कीवर्ड्स आप मदद करते हैं कि आपके चैनल को सर्च इंजन सर्च रिजल्ट में लाने के लिए सबसे ऊपर। लेकिन आपने नेम भी अपना एक अच्छा सा रखना होता है, यानी कि आप टेक्निकल गुरुजी रख लो तो उनका चैनल सबसे ऊपर ही आएगा, उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। तो आपने एक यूनिक नेम लिखना होता है और अच्छे से कीवर्ड्स डालने होते हैं। मैं ऐसे यहाँ पर डाल लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो आपको मिलते हैं एडवांस ऑप्शन। अगर आप यस पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डू यू वांट सेट योर चैनल इज मेड फॉर किड्स, अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो ना आपके कमेंट्स हो सकते हैं, ना आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे, अगर बेल आइकन पे मतलब क्लिक नहीं करवा सकते। और अगर आपका कंटेंट कार्टून वगैरह तो आप यस कर दो, वरना नो पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, आगे आप चले जाओ, यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर देखो आपको यहाँ से आपका चैनल वेरीफाई होता है। यहाँ पर देखो लिखा है फीचर दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको जैसे आप वेरीफाई सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाओगे तो यहाँ ना आप 15 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और ना ही आप थंबनेल लगा सकते हो, जो सबसे अहम काम है। उसके बाद सिंपली आपने कर देना है वेरीफाई पे क्लिक। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज रीडायरेक्ट कर देगा आपके वेरिफिकेशन वाले पेज के ऊपर। तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट मी या कॉल मी। कॉल मी पे भी कोड आ जाएगा, टेक्स्ट मी, लेकिन टेक्स्ट मी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करके अपना नंबर लिख लें। उसके बाद आपके नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड आएगा, जिससे आप उसको ऐड करोगे। सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा फोन नंबर वेरीफाई। आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है, अब आप अपने चैनल पर थंबनेल्स वगैरह सब कुछ ईजिली लगा सकते हो। उसके बाद क्लोज टैब जैसे ही करोगे, नया टैब यूट्यूब का ओपन करने के बाद आपको रेडी टू अपलोड आपका बिल्कुल नया एक तरह का चैनल मिल जाए। फिर मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, क्योंकि ज्यादातर मैं वहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ, आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन वहाँ पर सिंपली कर सकते हो। और हाँ यार, यूट्यूब की सीरीज का पार्ट 3 था, आप जिसके पहले भी मैंने इंट्रो में बोला था, उसके आगे भी पार्ट्स आते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में नया कंटेंट भी और आता रहेगा। तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आता रहे। भाई को दुआ में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।